सभी लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना तो शुरू कर ही दिया होगा। आई नो अभी फेस2 का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, बट यू ऑल्सो नो कि प्रेफरेंस फिलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। हर कोर्स के टॉप कॉलेजेस को देखना, देन उनकी प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, कैंपस लाइफ, बहुत सी चीजें हैं जो देखनी पड़ जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो आप लोगों को अभी से एक रफ प्रेफरेंसेस बनाना शुरू करना है। चाहे आप वो एक्सेल पे बना सकते हो, लाइक आई वुड रेकमेंड एक्सेल, ज्यादा इजी है बिकॉज वहां पे आप एरर्स को रेक्टिफाई भी ज्यादा इजिली कर सकते हो। बट इनकेस आप एक्सेल पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कॉपी पेन लेके भी उसमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, बट स्टार्ट मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। अभी देखो, अगर आप सीधा सोचोगे ना कि फेस2 का जब पोर्टल आ जाएगा उसी में आई शफल इट एंड मैं वहीं पर डायरेक्टली प्रेफरेंस लिस्ट भर दूंगा, तो बहुत एरर होने के चांसेस है। बिलीव मी, लाइक लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने गलती से, उन्होंने मतलब चेक तो कर लिया था बट गलती से एक नीचे वाला कॉलेज ऊपर रह गया, ऐसे बहुत सी मिस्टेक्स करी थी लोगों ने। तो ऐसा अगर होएगा तो यू नो दैट योर चांसेस आर गोना गेट लोअर एंड लोअर। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपने प्रेफरेंस फिलिंग अभी से शुरू कर देनी है। प्रॉपर एक एक कॉलेज को, एक एक कोर्स को अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग छाट डालो एंड पूरा दो दो घंटे हर दिन के दो और अपना प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना शुरू कर दो। अगर आपका लिटरली बहुत कम स्कोर भी आया है ना CUET में, तब भी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा कोर्स बताने जा रही हूँ जिसमें हर बच्चा जिसने CUET का एग्जाम दिया है इज एलिजिबल फॉर दैट कोर्स। एंड वो सिर्फ एक कोर्स नहीं, बहुत से कोर्सेज है एक्चुअली में। जो भी बच्चा जिसने कॉमर्स का भी एग्जाम दिया हो, या वो चाहे आर्ट्स से हो या चाहे वो साइंस से हो, एवरी बच्चा इज एलिजिबल फॉर दैट कोर्स। एंड वो कोर्स काफी ज्यादा अच्छा है और वो आपको बहुत ही कम लो स्कोर में मिल जाता है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट BA प्रोग्राम। यस, BA प्रोग्राम के अंदर इतने सारे कॉम्बिनेशन है एंड हर स्ट्रीम के कोर्सेज है। पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने साइंस से करी है, आर्ट से करी है या कॉमर्स से करी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th करी हो, आप कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो इन BA प्रोग्राम। यस, देखो अगर आप सोचोगे कि आपने साइंस से करी थी, यू हैवंट स्टडीड हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट आप फिर भी उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। और आर्ट्स वालों के लिए जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, हिस्ट्री प्लस साइकोलॉजी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं एंड इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और इनकी कट ऑफ इतनी कम जाती है, तो इनकेस यू हैव स्कोर्ड लो तो डिसहार्टेड नहीं होना, आपको बहुत अच्छे से अच्छा कोर्स मिल जाएगा एंड इवन अच्छे से अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। BA प्रोग्राम का कोई सा भी कॉम्बिनेशन लिटरली हर एक बच्चा कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि लास्ट ईयर 2022 से इम्प्लीमेंट हो गई है। तो जो बैच ऑफ 2022 था ना, जिन्होंने द फर्स्ट बैच ऑफ CUET, लिटरली उन बच्चों ने इस चीज का फायदा उठाया है एंड लो स्कोर में भी टॉप से टॉप कॉलेजेस, हंसराज, हिंदू, ऐसे कॉलेजेस तक में भी एडमिशन पाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी ह्यूमैनिटी के कोर्सेज जो कि DU प्रोवाइड करता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 फील्ड्स। सबसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड इज आर्ट डोमेन कोर्सेज, थर्ड इज वोकेशनल कोर्सेज, म्यूजिक कोर्सेज एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्ट डोमेन के कोर्सेज है ना, इनको हटा के जो भी बाकी के 4 मैंने टॉपिक्स का नाम लिया है, हेड्स का नाम लिया है, वो हर एक कोर्स का बच्चा एलिजिबल है। लाइक लैंग्वेज कोई सा भी बच्चा कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम, वोकेशनल कोई सा भी कर सकता है, म्यूजिक के कोर्सेज कोई भी कर सकता है एंड फाइन आर्ट्स के कोर्सेज भी कोई भी कर सकता है, बट जो स्पेसिफिकली आर्ट डोमेन के कोर्सेज है ना, वो आर्ट्स वाले ही बच्चे कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे, अब मैं इनके अंदर का बताती हूँ कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो बहुत ज्यादा कम कट ऑफ में। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, हिंदी ऑनर्स कर सकते हो, उर्दू, फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन, संस्कृत, जापानीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप ऑनर्स कर सकते हो। बट देयर इज अ कैच अबाउट दिस थिंग कि आपने वो क्लास 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। तो मोस्टली लोग इंग्लिश और हिंदी उन्होंने पढ़ी होती है, तो दैट इज वाई इंग्लिश ऑनर्स एंड हिंदी ऑनर्स में थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिशन है। बट इनकेस आपके स्कूल ने प्रोवाइड करी थी आपको वो लैंग्वेज और आपने पढ़ी थी वो क्लास 12th में, तो अगर आपने उसका एग्जाम नहीं भी दिया CUET में, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे उसके ऑनर्स के कोर्स के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ह्यूमैनिटीज डोमेन कोर्सेज। ठीक है, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज BA ऑनर्स ऑफ कोर्स, नेक्स्ट इको ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके ऑनर्स आप कर सकते हो। प्लस जर्नलिज्म, मास मीडिया, दीज आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर
प्लस हाई पेइंग कोर्सेज जो कि आर्ट्स डोमेन वाले बच्चे करना प्रेफर करते हैं। बाकी मैंने आपको अभी बता ही दिया कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि एनईपी के थ्रू आई गई है इस बीए प्रोग्राम, तो आप लोग इस चीज का भी फायदा काफी ज्यादा हद तक उठा सकते हो। लाइक यू कैन डू बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस साइकोलॉजी, जैसे हिस्ट्री के साथ आपने अपने तीनों जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड कर दिया, वैसे ही आप हर एक सब्जेक्ट के साथ अपना कोई कोर सब्जेक्ट ऐड करके कॉम्बिनेशन बना के बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। एंड बिलीव मी और नॉट, बीए प्रोग्राम की कट ऑफ रियली बहुत कम जाती है एंड आपको चांसेस हैं कि आपको बीए प्रोग्राम में काफी अच्छा कॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वोकेशनल कोर्स ऐसे कोर्सेज हैं जो कम कट ऑफ में, लाइक आपका बहुत कम स्कोर भी आना, लिटरली 200-300, आप इसमें भी अच्छा सा अच्छा कोर्स ले सकते हो और अच्छे से अच्छे कॉलेज को अचीव कर सकते हो। तो सीवीएस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिस इज वेरी फेमस फॉर वॉक कोर्सेज। बाकी हंसराज, हिंदू, सेंट स्टीफन, ये सारे भी आपको वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं, सो यू माइट वॉन्ट टू टारगेट देम एज वेल। सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज जिनकी काफी ज्यादा हाई डिमांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी वॉक इंश्योरेंस, बी वॉक हेल्थ केयर, वेब डिजाइन, ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बी वॉक बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द थर्ड कैटेगरी इज म्यूजिक। सी इफ यू आर द बच्चा जिसको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है या फिर सिंगिंग में यू नो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सिंगिंग म्यूजिक इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यू माइट वॉन्ट टू टारगेट म्यूजिक के कोर्सेज। अब ना जनरली लोगों को लगता है जिसकी लो कट ऑफ आई है, जिसके बहुत कम मार्क्स हैं, सिर्फ वही लोग ये टारगेट कर सकते हैं, बट बच्चे लिटरली वॉलेंटियरली भी इन कोर्सेज को टारगेट करते हैं बिकॉज उनको इतने ज्यादा रुचि है लाइक म्यूजिक में एंड सिंगिंग वगैरह में, सो व्हाई नॉट गेट अ डिग्री आउट ऑफ इट। सम ऑफ द वेरी फेमस कोर्सेज इन म्यूजिक इज बीए इन गिटार, तबला, सिंगिंग को आप पर्टिकुलरली भी एक कोर्स कर सकते हो, बीए इन डांसिंग इज वेल, लाइक सिंगिंग से हटके अगर आपको डांसिंग का शौक है ना, सो यू माइट वॉन्ट ट्राई बीए इन डांसिंग, एंड देन फिर वो फाइनल हमारा बीए फाइन आर्ट्स आ ही गया। तो फाइन आर्ट्स काफी बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी क्योंकि इस बार से यू नो इम्प्लीमेंट काफी सारे स्कूल्स में करी गई थी फाइन आर्ट्स। सो अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया या आपको बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स लगा, तो यू कैन डू बीए इन फाइन आर्ट्स एज वेल। तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो काइंडली ग्रैब इट। अब मैं आपको बताती हूँ लाइक ऑन एन एवरेज आर्ट्स फील्ड के टॉप 10 कॉलेजेस जिनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है, उनकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी जाती है। सो अगर आपके 750 प्लस आए हैं या आपके 350 प्लस आए हैं, आपको अपना बेस्ट कोर्स और उसके टॉप 10 एटलीस्ट या 15-20 कॉलेजेस जो बेस्ट हैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के मिला के, उनको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। आई टोल्ड यू दिस अ मिलियन टाइम्स अब, तो कि सबसे ऊपर जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, फर्स्ट कोर्स की प्रेफरेंस, उसके टॉप के कॉलेजेस रखने हैं। देन सेकंड और थर्ड जो आपकी प्रेफरेंस है कोर्स की, उसके टॉप के कॉलेजेस रखने हैं। देन फिर जो रेस्ट बचे हुए हैं तीनों कोर्सेज के, उनके रखने हैं। देन गो फॉर दोज वोकेशनल कोर्सेज एंड देन म्यूजिक के कोर्सेज, फाइन आर्ट्स एंड बीए प्रोग्राम के कोर्सेज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इवन इफ यू हैव स्कोर्ड बहुत ज्यादा कम ना, तब भी जो आपने बेस्ट करना है, जैसे मान लो आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं एंड योर यू नो फेवरेट कोर्स इज इंग्लिश ऑनर्स, तो इंग्लिश ऑनर्स के टॉप के कॉलेजेस आपने रखने ही रखने हैं ऊपर, भले ही आपके कितने भी कम मार्क्स आए हो। तो क्या पता देयर इज अ स्लाइट चांस कि आपको वो वाले कॉलेजेस मिल जाएं, तो ऑफकोर्स आपने ऊपर बेस्ट कॉलेजेस एंड योर बेस्ट कोर्स ही रखना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, इनकेस अगर आपको ऐसे डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ। प्लस आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट प्रेफरेंस फिलिंग एज वेल, कि आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। कमिंग बैक टू यू नो दैट टॉप 10 कॉलेजेस जो मैं बताने वाली हूँ आर्ट्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेंट स्टीफन्स, ये बेस्ट कॉलेज है, आपको इसको टॉप पे रखना है। नेक्स्ट इज हिंदू कॉलेज, देन मिरांडा हाउस, ये यू नो वुमेन्स का कॉलेज है, तो अगर वुमेन किसी को मतलब किसी गर्ल को प्रेफर करना है कि लाइक वुमेन कॉलेजेस वो टॉप पे रखना चाहती है, तो वो टॉप पे रख सकती है, बट सेंट स्टीफन काफी अच्छा है, तो यू माइट वॉन्ट डू सेंट स्टीफन, देन मिरांडा हाउस, देन हिंदू, मतलब वो गर्ल के अकॉर्डिंग है, उसको ज्यादा कंफर्टेबल किधर रखता है। नेक्स्ट इज LSR लेडी श्री राम, देन कम्स दी हंसराज, किरोरीमल, वेंकी, ये साउथ कैंपस का SRCC है, ये बहुत अच्छा है, लाइक ये बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज कराता है, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस, सो यू माइट वॉन्ट टारगेट दिस इज वेल। देन रामजस, देन दौलत राम कॉलेज DRC, ये वुमेन का कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में आता है। नेक्स्ट इज SGTB खालसा कॉलेज, ये काफी ज्यादा अंडररेटेड है, मतलब लाइक लोग इसके बारे में उतनी बात नहीं करते हैं, बट दिस इज येट अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। नेक्स्ट इज IP कॉलेज फॉर वुमेन,
मैं बता दूं कि आईपी कॉलेज और आईपी यूनिवर्सिटी आर डिफरेंट, तो ध्यान रखना कि आईपी कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, इट इज नोन एज इंद्रप्रस्थ कॉलेज, तो आपको इसको भी टारगेट करना चाहिए. नेक्स्ट इज जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिस इज इन साउथ कैंपस, ये काफी अच्छा कॉलेज है बट गर्ल्स के लिए है. फिर है गार्गी कॉलेज, ये भी ऑफकोर्स गर्ल्स के लिए है, साउथ कैंपस. मैत्री कॉलेज गर्ल्स, कमला नेहरू गर्ल्स, शहीद भगत सिंह कोएड है एंड काफी अच्छा कॉलेज है ये. बट ये ना जो मेन साउथ कैंपस है उससे अलग है ये, तो फिर आपको अगर उसकी कैंपस लाइफ जीनी है तो ये थोड़ा सा हटके है बट ये काफी अच्छा कॉलेज है. नेक्स्ट इज डीसीएसई, एआरएसडी, ये भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिनको आपको टारगेट करना ही करना चाहिए. तो साइंस के तो बहुत ही वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, लाइक बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है साइंस का, तो उसमें लाइक बायोलॉजी वाली एस्पेक्ट्स एंड पूरा मैथ्स वाला एस्पेक्ट्स, मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बेस्ट कोर्सेज बता रही हूँ जो हाई पेइंग कोर्सेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स एंड देन बीएससी बॉटनी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक, बीएससी फूड टेक, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स मैंने शायद बोल दिया है, बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी होम साइंसेज, स्टैट्स ऑनर्स, CS Honors, etc. etc. बहुत सारे कोर्सेज है जो कि काफी अच्छे हैं. देखो आई नो आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट फेमस फॉर साइंस कोर्सेज, वो कॉमर्स और यू नो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए ही फेमस है, बट आप काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज बीएससी वगैरह और यू नो बाकी फिजिक्स ऑनर्स ये ऑनर्स आप कर सकते हो काफी अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 फेमस कॉलेजेस और टॉप रैंक्ड कॉलेजेस फॉर साइंस कोर्सेज. सो द फर्स्ट वन इज हिंदू, सेकेंड इज सेंट स्टीफन, थर्ड इज मिरांडा हाउस, ये वुमेन के लिए है. नेक्स्ट इज वेंकी, वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये एसआरसीसी ऑफ साउथ कैंपस. नेक्स्ट इज हंसराज, रामजस, गार्गी, और गार्गी भी वुमेन के लिए है. किरोरीमल, एसजीटीबी खालसा कॉलेज एंड इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन, दिस इज इन नॉर्थ कैंपस. ये भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं साइंस के, अगर आपको यू नो साइंस के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस, सॉरी साइंस के पर्टिकुलरली कोर्सेज अगर आपको करने हैं. बाकी साइंस के जो कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए टॉप पेइंग एंड हाई डिमांड वाले कोर्सेज, वो तो आपने रखने ही रखने हैं, बट नीचे आप भी एलिजिबल हो फॉर बीए प्रोग्राम, वोकेशनल कोर्सेज, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, आप भी इन सब चीजों के लिए एलिजिबल हो लैंग्वेजेस के कोर्सेज वगैरह करने के लिए. तो अगर आपके कम भी आए ना मार्क्स तो डिसहार्टन नहीं होना है. आप अगर ये सारे कोर्सेज इतने सारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिल कर दोगे तो आपका कितना भी लो स्कोर आया हो आपको पक्का से सीट मिल रही है. बाकी यार बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब मुझे अपना रॉ स्कोर बता रहे हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब आप बता रहे हो ना तो आप अपनी कैटेगरी, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और आपका कितना स्कोर आया है, ये तीनों चीज मुझे बताओ सो दैट आई कैन यू नो अच्छे से एनालाइज कर सकूं और मैं बता सकूं कि आपको कौन सा कैंपस मिलेगा या फिर आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं. बाकी आप ना पूरी वीडियो देखा करो क्योंकि मैं पूरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि मुझे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, बिकॉज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कितने मार्क्स में आप नॉर्थ कैंपस को अचीव कर सकते हो और कितने मार्क्स में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट सीट मिल जाएगी. तो पूरी वीडियो अच्छे से देखा करो. ऑल्सो बाकी अभी टेंशन मत लो क्योंकि अभी नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आया है. ऑल्सो नॉर्मलाइज स्कोर की काफी ज्यादा लंबी चली गई है, यू नो डेट ऐसे कह रहे हैं कि 15 जुलाई तक आएगा आपका नॉर्मलाइज स्कोर, तो लेट्स होप अभी आप अच्छे से फिर चेक करो, चैलेंज करने का सोचो. अगर आपको करना है चैलेंज करने में 200 rupees पर क्वेश्चन लगते हैं, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो एंड देन अभी तो टेंटेटिवली डेट आई है 15 जुलाई, तो उस दिन आपका नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा. इन सब पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ डिपेंडेंट है आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे. आई हैव टेकन लाइक 10 shots बट आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड अच्छे से. सो जस्ट नो दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स. होपफुली आप मुझे ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहोगे एंड होपफुली मैं और बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊंगी. ठीक है, बाकी मतलब पता है क्या हो रहा था कि मेरे पास सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एवरीबडी इज आस्किंग मी हमारा ये रॉ स्कोर है, हमें कौन सा कैंपस मिल सकता है, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. बीच बीच में से कमेंट्स आ रहे हैं, हे झुम्बा बदी व्हाट्स योर रियल नेम. सो फाइनली मैंने इतना ज्यादा प्रोकेस्टिनेट कर दिया, लाइक आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑफ Q&A ऑन माय 1K. ठीक है, 1K मैंने जब बोला आई सेड कि हाँ आई विल मेक अ Q&A एंड आई विल डिस्क्लोज माय नेम, बट देन आई सेड कि ओके 5K पे बताऊंगी. नाउ इट्स फाइनली 10K, अब तो मैं पक्का से वीडियो बना ही दूंगी.
ठीक है, तो मैं ना कम्युनिटी पे एक पोस्ट डालूंगी। अब ऐसा मत करना कि आप वहां जाके आस्क मी अ क्वेश्चन पे ये लिख रहे हो कि दीदी आपने बोला कि आस्क मी अ क्वेश्चन, तो मुझे बता दो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है या कौन सा कैंपस मिलने वाला है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगी आस्क मी अ क्वेश्चन वाला, ठीक है, तो आप या तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर कम्युनिटी पे पूछ लेना, या दोनों जगह भी पूछ लेना, जो भी बेस्ट होंगे टॉप पिक्ड क्वेश्चन एंड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो वैसे वाले क्वेश्चन का आई विल रिप्लाई इन माई क्यू एंड ए। बाकी आई एम सुपर ग्रेटफुल, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन पूछना, पहले बता रही हूँ, डोंट बी बोरिंग, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन पूछना, आई विल आंसर देम। मैं वैसे ही बहुत बढ़िया आंसर देती हूँ, तो यू माइट एंजॉय इट। बाकी टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर कर दो और ज्यादा, कॉमेंट्स में मुझे अपने रॉ स्कोर वगैरह बता देना, एंड या दैट्स इट, बाय।